ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉपिक के। अलास्का को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे और कैसे वहां से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। अलास्का एक स्टेट है, अमेरिका का एक राज्य है, अमेरिका का एक स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, अमेरिका का फुल्ली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, मेनलैंड से काफ़ी दूर है अमेरिका से। तो ये बॉर्डर ऑफ कैनेडा का ब्रिटिश कोलंबिया और योकन राज्य से काफ़ी बॉर्डर उनका नज़दीक है, ब्रिटिश कोलंबिया ऑफ कैनेडा एंड योकन स्टेट से। और अलास्का एक स्टेट है, ज़्यादा करके यहाँ ठंडी रहता है, माइनस डिग्री रहता है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो माइनिंग होता है गोल्ड माइनिंग है, ऑयल एंड गैस का है बहुत सारे, वहाँ पर जो मच्छी भी पकड़ा जाता है वहाँ का समुंदर में। तो इसीलिए यहाँ का जो पॉपुलेशन 7 लाख का पॉपुलेशन है, सबसे कम पॉपुलेशन राज्य है इन अमेरिका। तो अलास्का आप मैप में देख सकते हैं अलास्का का कहाँ पर लोकेटेड है, काफ़ी दूर अमेरिका से, काफ़ी दूर है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। और बाई सी और बाई फ्लाइट के द्वारा यहाँ पर जा सकते हैं और इस राज्य का अलास्का का पॉपुलेशन बता दिया। और उनका राजधानी का नाम है जुनेयू। अलास्का में काफ़ी सारे सी पोर्ट्स है और बहुत टाइम ये जो सी पोर्ट्स का बर्फ़ में ढका रहता है, बर्फ मतलब बर्फीला जगह है, बर्फीला में बर्फ़ में ढका रहता है। उनका जुनेयू जो राजधानी में बहुत बड़ा पोर्ट है, सी पोर्ट है, और उनका पास 50 के अबोव एयरपोर्ट्स है। और एक ही एयरपोर्ट जो जुनेयू में लोकेटेड है, सबसे लार्जेस्ट बड़ा एयरपोर्ट है, और ये स्केड्यूल फ्लाइट वहाँ पर जाता है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली फ्रिक्वेंटली फ्लाइट्स नहीं जाता है, तो शेड्यूल होकर फ्लाइट वहाँ पर फ्लाई होता है। और अलास्का को आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत से कुछ कंपनीज अलास्का को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो अलास्का क्या क्या इंपोर्ट करता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अलास्का में बता दिया वहाँ पर बहुत सारे माइनिंग कंपनी है, वहाँ पर और आयरन ओर एंड अदर ओर्स माइनिंग में निकाला जाता है, और बहुत सारे स्टोन्स एंड बहुत सारे आपका जो गोल्ड, वहाँ पर गोल्ड भी निकलता है माइनिंग में। ऑल्सो वहाँ पर ऑयल एंड गैस भी निकाला जाता है। और वहाँ पर जो सी फूड का मार्केट है, मतलब वहाँ पर जो समुंदर में वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सी फूड मिलता है, ज़्यादा करके जो क्रैब मिलता है और सैल्मन फिश और बहुत सारे टाइप का मच्छी और क्रैब भी मिलता है। इसीलिए आप जब एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो फूड प्रोडक्ट वगैरह जो एक्सपोर्ट करोगे, तो आप जो चिल्ड प्रोडक्ट, कैंड प्रोडक्ट, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स या कोई भी प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो फ्रेश एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी लंबा है अमेरिका टू जाएगा जुनेयू इन अलास्का, काफ़ी लंबा है, और इसलिए आपको जो शिपमेंट वहाँ पर पहुँचते तो ख़राब हो जाता है। इसलिए आपको जो भी कैंड फूड एंड आपका जो चिल्ड फूड जो होता है, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ज़्यादा करके माइनस डिग्री में रहते हैं, माइनस डिग्री में पूरा साल रहता है, इसलिए वहाँ का लोग जो चिल्ड और कैंड फूड को प्रेफर करते हैं बाय करने के लिए फ्रॉम द सुपर मार्केट। तो फूड प्रोडक्ट में डील करते हो तो आप कैंड फूड और चिल्ड फूड को आप प्रोसेस करके, प्रिजर्व करके, पैकिंग करके अलास्का को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जितने सारे माइनिंग कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग इक्विपमेंट्स, मशीनरीज वगैरह इम्पोर्ट करते हैं। और वहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स वगैरह इम्पोर्ट करते हैं। और पॉपुलेशन कम है इसलिए ज़्यादा करके मशीन्स में काम होता है, मशीनरीज। तो आप ऑयल एंड गैस के लिए जितने सारे इक्विपमेंट होता है, पाइप्स एंड ऑल द इक्विपमेंट्स फॉर ऑयल एंड गैस कंपनीज, तो आप ये प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आगे आपको मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ अलास्का क्या क्या प्रोडक्ट्स ग्लोबली इम्पोर्ट करता है, तो आप उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट को सोर्स करके अलास्का को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अलास्का जो है एक अमेरिका का स्टेट है, एंड ये 1867 में, ये पहला रशिया के अंडर में था, 1867 में रशिया से अमेरिका इसको परचेस किया, खरीद लिया 1867 से, ठीक है। और 1912 में अमेरिका इसको एक टेरिटरी बना दिया, इसको एक राज्य बना दिया, और यहाँ पर गवर्नर है, उनका खुद का कैपिटल है, उनका खुद का सी पोर्ट्स है और खुद का एयरपोर्ट्स वगैरह है। और यहाँ पर मेन प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, प्रोडक्शन होता है सी फूड, ऑयल एंड गैस एंड ऑल द माइनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बताऊँगा कैसे आपको वहाँ से अलास्का से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो अलास्का में सेम है अमेरिका का स्टेट है, इसलिए वहाँ पर
जितने सारे अमेरिका का सर्च इंजन यूज होता है, गूगल, AOL, MSN, बिंग जो मेन चार आपका सर्च इंजन है, मैं आपको आगे लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो अमेरिका का जितने सर्च इंजन में आपका कंपनी को और आपका प्रोडक्ट वेबसाइट को लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद अलास्का में भी जितने सारे लोग हैं सर्च करेंगे तो आपका आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। तो अलास्का में जितने सारे बड़े कंपनी है लिस्ट करके मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ, उन कंपनी की जो आप लिस्ट उन कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अलास्का में क्या करोगे तो जितने सारे इम्पोर्टेंट बता दिए इम्पोर्टेंट साइट्स है, अलास्का का कंपनी का नाम बता दूंगा और अलास्का में जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है वहाँ का जो B2B ट्रेड पोर्टल से येलो पेजेस से बिजनेस क्लासिफाइड वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाकर रजिस्टर करना है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ अमेरिका का पूरा सर्च इंजन कितना है, अलास्का का क्लासिफाइड वेबसाइट, B2B ट्रेड पोर्टल्स एंड येलो पेजेस एंड ऑल्सो द लिस्ट ऑफ कंपनीज इन अलास्का जो बाय करते हैं इम्पोर्ट करते हैं, ऑल्सो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अलास्का इम्पोर्ट्स, पूरा लिस्ट करके बता रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में या नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। अलास्का का लिस्ट करके बता दिया कितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है वहाँ पर और कितने सारे कंपनीज का लिस्ट है और क्या क्या प्रोडक्ट अलास्का इम्पोर्ट करता है। तो अलास्का का जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट बता दिया, तो वेबसाइट को आपका कंप्यूटर में लैपटॉप में वन बाय वन ओपन करिए, उसके बाद उसको टॉप राइट में जाकर साइनअप करिए या रजिस्टर करिए, करने के बाद आपका कंपनी को रजिस्टर करिए, आपको वेबसाइट को रजिस्टर करिए, करने के बाद अलास्का का जो लोग है बायर्स ट्रेडर्स जितने सारे कंपनीज इन्हीं वेबसाइट में आते हैं बाइंग सेलिंग करने के लिए, जब वो सर्च करेंगे आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अलास्का से एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए। ऑल्सो मैंने आपको कंपनीज बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी का लिस्ट बता दिया, ऑल्सो अलास्का का बहुत सारे कंपनीज लाखों के हिसाब से कंपनीज ऑल्सो लिस्टेड है इन वेबसाइट्स में, तो इन वेबसाइट में जाकर सर्च कर सकते हैं अलास्का का लिस्ट ऑफ कंपनीज, तो आपको वेबसाइट मिलने कंपनी को वेबसाइट में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अलास्का को बाय ईमेल के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अलास्का का न्यूज़पेपर है, वहाँ का ब्लॉग साइट्स है, तो आपको मैं बता दिया वहाँ पर जाके ब्लॉग्स आर्टिकल्स में पब्लिकेशन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो प्रिंट मीडिया एंड ऑनलाइन में, या आप हमारा ग्लोबल साइट है www.trademyproduct.net में जाकर आप आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज का ब्लॉग्स आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं, उनका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या है आपको वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। ऑल्सो अलास्का में रेडियो भी चलता है, टीवी भी चलता है, वहाँ पर जाकर आप रेडियो टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोसीजर बता दिया अलास्का से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए, या और क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च गूगल ऐड को टारगेट कर सकते हो अलास्का में, गूगल सर्च गूगल ऐड द्वारा अलास्का को टारगेट करके आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। करने के बाद अलास्का में सर्च करेंगे गूगल में तो वहाँ का कंपनी जब सर्च करेंगे आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, ये हो गया गूगल सर्च गूगल ऐड। उसके बाद आप क्या करोगे, फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, इनमें से चार में आप एडवर्टाइजमेंट करिए, टारगेट करिए अलास्का, और फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में पेड एडवर्टाइजमेंट करिए, टारगेट करिए अलास्का, तो आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा अलास्का में। तो अलास्का का कंपनीज बायर्स ट्रेडर्स इंपोर्टर्स आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट। तो काफ़ी सारे डिटेल्स मैं आपको बता दिया अलास्का में, अगर आपको मार्केटिंग करना है, वेबसाइट मार्केटिंग करना है तो वेबसाइट मार्केटिंग भी कर सकते हो, आपका वेबसाइट को मार्केटिंग करोगे अलास्का को टारगेट करके तो अलास्का में आपका वेबसाइट दिखाई देगा, तो वहाँ का बायर्स इंपोर्टर्स ट्रेडर्स आपको वेबसाइट में क्लिक करके आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट मार्केटिंग करना है, आपको आर्टिकल्स वगैरह लिखना है, पब्लिकेशन करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा trademyproduct.net में आप जाकर रजिस्टर करके कॉन्टैक्ट हमें कर लीजिए, तो हम आपको मदद करेंगे अलास्का में कैसे आप मार्केटिंग करोगे और वहाँ से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मैं आशा करता हूँ हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।